यू आर वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं बाहर निकली हुई हूँ क्योंकि कुछ दिन से मेरा मोबाइल भी प्रॉब्लम कर रहा है और मेरे हस्बैंड जी का भी मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स मोबाइल में आ गया है, मेरी चार्जिंग नहीं ले रही है तो उनके साउंड में प्रॉब्लम है। और हम लोग दोनों का मोबाइल एक ही ब्रांड का है, ऑनर का, और हम लोग ऑनर के सर्विस सेंटर पर जाने वाले हैं और ये ऑनर का सर्विस सेंटर पड़ता है लाजपत नगर दिल्ली में। लाजपत नगर मार्केट जो बहुत फेमस है दिल्ली का, सेंट्रल मार्केट के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग वही आ पहुँचे हैं। तो मार्केट तो बहुत अच्छा है लेकिन जो ये कोरोना वायरस का पीरियड है उस टाइम ये मार्केट किस तरह का दिख रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पूरे मार्केट में सिर्फ मास्क ही मास्क दिखेगा, मास्क का मानो भंडार। इवन आपको जो ये सामने मैलिक्विन दिख रही है ये भी मास्क पहनकर खड़ी हुई है। तो मार्केट काफ़ी सन्नाटा था, कुछ ज़्यादा लोग दिखने को नहीं मिल रहे थे और दुकान वाले बेचारे ऐसे ही बैठे हुए थे। मतलब उनकी दुकान की तरफ कोई देख भी ले रहा है ना तो उनको खुशी हो जा रही है कि चलो कोई तो देख रहा है। मतलब ये हाल वहाँ का था। ये वीकेंड पे हुए, हम लोग गए थे सैटरडे को, ये वीडियो सैटरडे की है। और आम दिन पर यहाँ पर इतना भीड़ हुआ करता था कि पूछो मत, लोग मतलब हर चीज़ को घेर कर खड़े हुआ करते थे। तो सामान तो बहुत है, दुकान तो बहुत है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बंद बंद है, लेकिन लोग सच में मानो डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए। तो हम लोग तो अपना मोबाइल सर्विस सेंटर पर जाकर दे चुके क्योंकि सर्विस सेंटर का अंदर वीडियो लेना मना था तो नहीं ले पाए। और जब तक वो हम लोगों को बोले कि आप 1 आवर में आइए आपका मोबाइल बन जाएगा, तो हम लोगों ने यही किया कि मोबाइल दे दिया। और हम लोग को करना कुछ नहीं था, मार्केट सिर्फ आ गए थे कि चलो इतना नज़दीक में मार्केट है तो चलना चाहिए। तो यहाँ पे केक और बेकरी की ये शॉप है जिसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा केक दिख रहा था। तो हस्बैंड जी को देखना पड़ गया कि क्या क्या यहाँ है, तो उन्होंने देखा और वो देख रहे थे पर मेरी नज़र तो कहीं और थी कि और क्या क्या चीज़ नया नया यहाँ मार्केट में आया हुआ है, कुछ कपड़े, कुछ जूतियाँ। मतलब हम लेडीज़ का माइंड तो उधर ही रहता है। तो हस्बैंड जी को बस खाने पीने की लगी रहती है और हम लोग को बस डेकोरेशन का सामान, स्टाइल का सामान, यही सब किचन का सामान जो मुझे लेना बहुत पसंद है। तो ये वाली शॉप जो है लाजपत नगर की बहुत पुरानी शॉप है और यहाँ जो है क्रॉकरी का सामान बहुत अच्छा मिलता है और एक से कप वगैरह डिज़ाइनदार आपको मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने वही उनसे मांगा कि चलिए दिखाइए भैया, कप दिखाइए आप कैसा कैसा नया नया मॉडल का लाएं। तो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नया नहीं दिख रहा था लेकिन जो हम लोगों को अच्छा लगा वो हम लोग ले लिए हैं। साथ साथ हम लोगों ने ग्लास लिया, शीशे का ग्लास। तो आगे मैं अपने व्लॉग वाले वीडियो में मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब बिक तो रही थी लेकिन लोग नहीं थे, बिल्कुल भी लोग नहीं थे। चप्पल जूते मतलब भंडार लगा हुआ था, लेने वाला कोई नहीं था। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे लेकिन हस्बैंड जी को जल्दी पड़ी हुई थी, जल्दी करो बस निकल लो यहाँ से, बस तुम देखो जो हल्का फुल्का सा देखना है देखो और निकल लो। पर बात तो वो सही कह रहे थे कि ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए, मुझे भी डर लग रहा था लेकिन थोड़ी नज़र चली ही जाती है। तो यहाँ पे महरीन के हिसाब का चप्पल टंगा हुआ था तो मुझे लगा कि एक लेना चाहिए उसके लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बस उन्होंने खुद अपनी चप्पल ख़रीदी और बस मेरे लिए तो कुछ भी नहीं ख़रीदाया, बस उन्होंने अपनी चप्पल, एक हवाई चप्पल, डॉक्टर चप्पल ख़रीदी और हमने क्रॉकरी का कुछ ग्लास और कप ख़रीदा, बस उतना ही लेकर हम लोग मार्केट से निकल गए। लेकिन मार्केट का पूरा व्यू आप लोग देखिए मेरे साथ। देखकर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि लाजपत नगर वीकेंड पे इतना खाली पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं। और हम लोग मार्केट से बाहर आ चुके हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, बस हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि अब यहाँ से निकलना है। हस्बैंड जा चुके हैं मोबाइल लेने के लिए और हम और महरीन यहाँ कार पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मोबाइल लेकर आएँ सर्विस सेंटर से, तो हम लोग जाएँ। क्योंकि सर्विस सेंटर भी मुझे जाना पसंद नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ भीड़ रहेगी, वहाँ भी 10-4 लोग रहेंगे ही। तो मैं और महरीन सिर्फ यहीं पर बाहर खड़े रह गए अपना यहीं पर और बस कुछ ऐसी मस्ती हुई
और फिर हम लोग घर लौट कर आ गए। पर कहने का मतलब यही है कि मार्केट एरिया में दिल्ली के बहुत कम भीड़, रियली लोग फॉलो कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक करें। टिल देन बाय।